स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर विद आईसीएसई क्लास 9th, सब्जेक्ट इज मैथ्स। बुक इज रिटन बाय एमएल अग्रवाल, प्रोफेसर एमएल अग्रवाल, दैट इज अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स राइट फॉर क्लास 9th, पब्लिश्ड बाय अविचल पब्लिशिंग कंपनी राइट। चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज चैप्टर 2nd ऑफ कमर्शियल मैथमेटिक्स, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इन शॉर्ट वी आल्सो कॉल्ड इट एज CI राइट स्टूडेंट्स। Now, before proceeding into the lesson, as you already know, we discuss some basic terms or terminology or information about the chapter to be done. The chapter is related to interest, that is compound interest. Before proceeding into the chapter, we should know what is the interest. So interest, yani vyaj, interest is the additional money besides the original money paid by the borrower to the money lender. So sabse pehle you should know what is the money lender. The person who lends the money is called the money lender, and the person who borrows the money is called the borrower. सो जो किसी राशि को ब्याज पर देता है उसे कहते हैं मनी लेंडर, और जो लेता है उसे कहेंगे बोरोवर। तो इन लेने देने के दरमियान जो मनी लेंडर है, जो वो पैसा देगा, तो उसके ऊपर वो कुछ एडिशनल मनी चार्ज करेगा, तो उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट राइट। सो ये इंटरेस्ट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेकेंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, इट इज़ द इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल मनी, इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल मनी, दैट इज ओरिजिनल मनी क्या है प्रिंसिपल। तो ये हमेशा प्रिंसिपल पर रहेगा फॉर एनी गिवन टाइम एंड रेट। तो इट्स फार्मूला इज सिंपल एज यू ऑलरेडी नो, principal into rate into time upon 100. This 100 is for what? This 100 is for this rate. तो rate जो है rate percent में होता है ब्याज की दर, so therefore we here use 100 to neutralize this percent right. So this is the simple interest, that is the interest charged on the original money right. And यहाँ पे the principals principal यानी P remains constant right students। ये आपने ध्यान रखना है कि जब principal interest पे देंगे तो जब simple interest पे देंगे then principal will remain constant for the whole time राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल मनी, कि जितना साल के एंड में आपने पैसा दिया या टेन्योर के ख़त्म होने पे जो पैसा आप देंगे इंटरेस्ट को मिलाकर, ये उसका डिफरेंस होता है। फाइनल मनी देंगे और जो ओरिजिनल मनी आपने दिया है यानी कि जो प्रिंसिपल आपने दिया है उसका डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल रिमेंस कांस्टेंट, पर यहाँ पे पी रिमेंस चेंजिंग ये याद रखना, प्रिंसिपल जो है चेंज करता रहेगा। कैसे रहेगा के इन CI कंपाउंड इंटरेस्ट में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और एनी अदर पीरियड
इंटरेस्ट एक्रूड, जितना ब्याज बना उसको पे नहीं किया जाता है, इज नॉट पे टू द लैंडर और मनी लैंडर बट इज एडिड टू पी, तो ये प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, राइट right? तो इसी तरह से जब ये ऐड हो गया तो ये अमाउंट बन गया, तो ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर का जो है प्रिंसिपल बन जाएगा, राइट right? नेक्स्ट ईयर्स पी, ये दोनों ऐड कर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये क्या बन गए नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन गए, एंड इन द सेम वे द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द होल टाइम इज रीच्ड, राइट। सो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसका मतलब हो गया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगले नेक्स्ट ईयर का ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर वो जो इंटरेस्ट एक्रू होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा, राइट। तो अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना कैसे होती है, तो आगे चलें नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें देखिए बच्चों के इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली यानी वार्षिक पर एनम के उस पर लगता है, देन इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड होने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब द पी यानी प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर एवरी ईयर, तो इसका मतलब इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन द प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर एवरी ईयर, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, तो प्रिंसिपल हर साल चेंज होता जाएगा। अब इसमें पहली कंडीशन तो ये होगी आपकी, अब दूसरी कंडीशन देखिए, इफ द इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली और इसको हम सेमी एनुअली अली भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब द पी प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर एवरी सिक्स मंथ्स, तो जब प्रिंसिपल हर छः महीने में चेंज हो रहा है देन वुड इट हैव एन इफेक्ट ऑन द टाइम एंड द रेट, तो क्या होगा देयरफॉर यहाँ पे टाइम, टाइम क्या हो जाएगा जो आपका रीजनल टाइम दिया है तो वो बन जाएगा, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज एवरी ईयर हैज़ टू टाइम्स सिक्स मंथ्स, राइट, छः माही जो हर साल में दो बार आती है, राइट सेमी एनुअली, तो इसलिए हम इस छः दो बार से टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या रेट के ऊपर होगा,
तो रेट को हम उससे डिवाइड कर देते हैं 2 से, आर अपॉन 2% सेमी एनुअल, राइट। अब आओ नंबर थर्ड, इसमें एक और चीज है कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर हम यहाँ पे सेमी हाफ ईयरली सेमिनरी था, यहाँ पे एनुअली था, अब यहाँ पे आ गया क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ? एक साल का क्वार्टर, 1 ईयर्स क्वार्टर इज 3 मंथ्स, राइट। तो 3 महीने साल में, तीन तीन महीने साल में 4 बार आते हैं। सो द पी, अगर क्वार्टरली दिया है, पी चेंजेस प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर एवरी क्वार्टर क्वार्टर और 3 मंथ्स। अब जब प्रिंसिपल चेंज हो रहा है 3 महीने में, जैसे 6 महीने में हुआ था तो 2 बार हो गया था 6 महीना, तो यहाँ पर तो 4 बार हो रहा है। सो देयर फॉर इट विल हैव इफेक्ट ऑन टाइम, जो जितना टाइम दिया आपको टी इंटू 4 क्वार्टरली हो जाएगा, और रेट के ऊपर भी इफेक्ट होगा। यहाँ पे 2 बार डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, ये तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा सेंट क्वार्टर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये 3 चीज़ें तो आपने कॉमन देखी होंगी, पर एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है, क्या नंबर 4, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फॉर 9 मंथ्स, अभी आप सोच रहे हो कि देन पी चेंजेस आफ्टर एवरी 9 मंथ्स, तो अब क्या इसका इफेक्ट टाइम पर पड़ेगा? देयरफॉर टाइम क्या होगा, जितना टाइम दिया उसको आपने 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये कहोगे 4/3 कहाँ से आ गया, तो 4/3 कहाँ से आया? सो फोर बाई थ्री आया, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, 12 मंथ्स आर देयर इन ईयर, और इंटरेस्ट कितने पे लग रहा है? 9 पे, राइट। 12 मंथ इंटरेस्ट इज दिस, 9 मंथ इंटरेस्ट इज दिस, सो 3 4 12, 3 3 9, दिस हैज कम फ्रॉम दिस, राइट। अगर बेसिक करोगे, ध्यान में रखोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो है यहाँ पे आया है, तो क्या इसका रेट पे इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। रेट को 4/4/3 से करेंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, आर इंटू 3/4। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर ये जो 4 चीज़ें हैं, ये इस चैप्टर की आत्मा है। अगर इफ़ यू है दिस इज़ कंसाइज, सो इसको अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया है, तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेदर इट इज़ द केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो यहाँ पे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर आपने ये चीज़ जो है अच्छी तरह से समझ ली है, राइट। तो अब इसमें आपने थोड़ी और चीज़ें ध्यान में रखनी है कि
फॉर्मूलाज। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको निकालने का एक ही फॉर्मूला आपने याद रखना है यहाँ पे। सो फॉर्मूलाज तो क्या है, सबसे फार्मूला पहला आपने रखना है कि ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, राइट। ए इज अमाउंट, पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टी। सो बच्चों अब आप ग्रोन अप हो गए हो, इस चीज़ को बेसिकली बेसिक से उससे समझोगे तो ये आपको सारी ज़िंदगी जो है यूज़फुल रहेगी, अगर आपने अब समझ लिया। अगर आप अब इससे घबरा गए देन यू आर विल बी रनिंग फ्रॉम इट थ्रू आउट द लाइफ, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। तो ये तब समझ में आती है जब इसका आप बेसिक समझें, राइट। तो ये इसका मेन फार्मूला है। तो ए क्या होगा, इसमें हम फाइनल अमाउंट या अमाउंट बोल देते हैं, पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये जो फार्मूला है यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड इज और टी इज टाइम, और इसको एन भी लिख देते हैं कई बार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब ये तो था अमाउंट निकालने का फार्मूला। तो उसके बाद आपको ये पता है कि अमाउंट क्या है, कंपाउंड सॉरी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, ये इसमें से माइनस है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या, ये था इसको निकालने का फार्मूला कि पहले अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा आपको। अगर हमें सीधा ही निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या उसके लिए भी क्या कोई फार्मूला है, हाँ जी बिल्कुल है। तो सीधा निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी प्रिंसिपल, फार्मूला यही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ये जो है ब्रैकेट में ऊपर जो चीज़ दी है वो भी वैसे ही रहेगी, और यहाँ पे जो टी भी वैसे रहेगा, बस हमने इसको माइनस कर दें, माइनस वन, राइट बच्चों। तो ये जो फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला यहीं से आया है। अमाउंट के लिए हमने क्या फार्मूला था, ये था, यहाँ तक तो है ना अमाउंट के लिए फार्मूला, ये। और प्रिंसिपल के लिए हमने क्या किया, अब देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, रफ वर्क में बेसिक समझोगे। तो हमने फार्मूला क्या लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है, ये पी वन प्लस अमाउंट की जगह हमने ये लिख देना है माइनस प्रिंसिपल पी। तो अब हमें पी पी दो जगह लग रहा है, तो इसका मतलब हम एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं बार बार लिखने की बजाय। तो इसको हमने फिर कॉमन निकालने के लिए इसको ऐसे कर लिया, वन ब्रैकेट में ले लिया इसको, वन आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, और इस वाले पी को क्योंकि ये बाहर चला गया तो यहाँ पे हमने वन लिख दिया, सिंपल। तो ये यहीं से आया है, तो इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतना बड़ा फार्मूला कैसे होगा। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये यहाँ पे समझा दिया, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको पहले क्या बता चुका हूँ कि इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एनी फिक्स्ड पीरियड लाइक 6 months, देन प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टर्म ऑफ फिक्स्ड पीरियड दैट इज लाइक 6 months। सो द टाइम, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे, इसको भी फार्मूला के रूप में लेंगे, द टाइम फ्रॉम वन स्पेसिफाइड
interest period to the next period is called a conversion period. अब ये कन्वर्शन पीरियड आप बार बार सुनोगे तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया. तो इसको समझे पहले क्या है. द टाइम फ्रॉम वन स्पेसिफाइड इंटरेस्ट पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड इज कॉल्ड अ कन्वर्शन पीरियड. ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. इसको समझेंगे कैसे कि मान लो इफ दिस स्पेसिफाइड पीरियड, जो ये स्पेसिफाइड पीरियड किया है, स्पेसिफिक पीरियड किया है, अगर ये एक साल है तो इसका मतलब क्या होगा, देन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. ये मैं पीछे भी बताया आपको. तो यहाँ पे क्या होगा, देन देयर इज ओनली वन कन्वर्जन थ्रू आउट द ईयर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब ये हो गया कन्वर्जन पीरियड सिक्स मंथ्स का, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, देन देयर आर टू कन्वर्जन पीरियड. तो सेमी एनुअल में एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो इसमें क्या होगा, वन कन्वर्जन पीरियड. वन कन्वर्जन पीरियड ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो देन देर आर टू कन्वर्जन पीरियड्स. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन देर आर फोर कन्वर्जन पीरियड. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड नाइन मंथ्स, फॉर नाइन मंथ्स देन देर आर फोर अपॉन थ्री कन्वर्जन पीरियड्स. राइट, तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, तो इसमें आपने घबराना नहीं है. फार्मूलास भी आपको बता चुका हूँ, तो वही मेन फार्मूला है, तो उसी को बेस्ट में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलेंगे. सो नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1. So question number first we are going to solve here. Solution first. So find the amount and the compound interest on rupees 8000 at 5% per annum. तो सबसे पहले आपने इस question की, you have to make a picture of this question in your mind. What is being asked and what is the way path to solve this. So here P is given rupees 8000, 5% per annum. Whenever you read rate of interest in compound interest, keep a focus on this. This is per annum. So this per annum ka matlab hai ki ye थ्रूआउट द ईयर एक ही रहेगा कन्वर्जन पीरियड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो यहाँ पे आ गया टाइम टी, ये टू ईयर्स, ये हो गया रेट. सो जो दिया है हमने वो लिखने लगा है पी इक्वल टू रुपीज 8000, आर इज इक्वल टू 5%. इसको शॉर्ट में लिख देना है, लिखना जरूर है, पर एनम. टी इज इक्वल टू 2 years, right students? So we have to find out the amount and compound interest. तो दो अलग अलग चीज़ें हमें चाहिए, तो हमें कंबाइंड वाला फार्मूला यहाँ पे अब नहीं चाहिए, माइनस वन वाला, हमें चाहिए अलग अलग वाला. तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट. अमाउंट ए इज इक्वल टू, फार्मूला राइट जरूर करना है,
राइट बार बार राइट करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसलिए फार्मूला लिखने से आपने परहेज नहीं करना। तो बस अमाउंट आ गया आपका 8000, वन प्लस आर इज 5% पर एनम, परसेंट को हमने नलीफाई कर दिया 100 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे आ गया 2, 5 जा 5, 5 20 जा, सो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 जा 20 प्लस 1 21, देन इक्वेशन इज बिकम हैज़ बिकम दिस नाउ रेज टू पावर 2। सो दिस रेज टू पावर 2 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस राइट स्टूडेंट्स, सो 20 कैंसल्स, 2 2 4 2 40 जा 80, 2 1 जा 2 2 20 जा 40, सो 21 इंटू 21 इसको आपने लर्न कर लेना अच्छी तरह, 30 तक के स्क्वायर, 21 इंटू 21 441 441 2 जा 882, सो दिस हैज कम आउट टू बी ₹8820। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया, पी आ गया ₹8000, अमाउंट हमने फाइंड कर लिया है ₹8820। तो मैंने पीछे आपको फार्मूला बताया था, देयरफॉर निकालना क्या है हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी ए माइनस पी, दिस इज सिंपल, ₹8820 माइनस ₹8000, सो दिस वुड कम आउट टू बी ₹820, सो दिस इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पर कंबाइंड वाला फार्मूला यूज करते तो हमें सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाना था, तो उसमें उस कंडीशन में भी हमने अमाउंट फाइंड करना है तो वो माइनस हो जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए आई हैव टू रब दिस। क्वेश्चन फर्स्ट आपने समझ लिया होगा, तो अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सो जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जाने से पहले मैं आपको एक मैजिक टेबल बताता हूँ जिससे आपको इस कंप्यूटर सॉरी इस कंपाउंड इंटरेस्ट की राह आसान हो जाए, राइट। तो व्हाट इज दैट मैजिक टेबल, लेट पी इक्वल टू ₹1, राइट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो वो आपने देखिए, इसको समझिए कि मैं एक टेबल ड्रा कर रहा हूँ, आई एम ड्राइंग ए टेबल फॉर यू ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले। सो मान लो मैं इस टेबल को थोड़ा और लंबा करता हूँ यहाँ तक, ठीक है बच्चे, थोड़ा और लंबा यहाँ तक। इसमें क्या है कि मान लो मैं इसके करता हूँ 4 हिस्से, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम, दिस इज टाइम, टाइम किधर है, इधर 1 ईयर, सपोज टाइम इज 1 ईयर, 2 ईयर्स,
and 3 years, राइट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं डालता हूँ इस बॉक्स में बच्चों, रेट। जब टाइम 1 ईयर होगा तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा, 1 upon 1 plus R upon 100 रेज टू पावर 1। जब टाइम 2 ईयर्स रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। ये था, ये चीज चल रही है जब आपका इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो, 1 plus R upon 100 raised to power 3, राइट। तो जनरली बच्चों जो हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें 3 तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। वो क्या है वो देखिए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 10%, 5%, 4%। अगर इस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी आ जाता है तो आपने घबराना नहीं है। तो इस टेबल को माइंड में रखिए कि जब ये 1 साल होगा, 1 साल का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ फॉर 1 ईयर 10%। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 1 upon 1 plus 10 upon 100 raised to power 1। तो ये बन गया 10 1 जा 10 11 upon 10। तो ये आपने रट लेना यहाँ पे 11 upon 10। अब ये 2 times हो गया तो ये हो गया 11 upon 10 into 11 upon 10, 11 11 जा 121 upon 100। तो ये हो गया 121/100। जब ये हो गया 3 साल तो ये 3 बार हो जाएगा, तो 11 upon 10 into 11, तो ये जो है ये बन गया 11 into 11 121 121 into 11 1331, 10 into 10 into 10 1000। तो इससे आपको कैलकुलेशन में शार्प करने में भी आपको सक्सेस मिलेगी, और या लर्न कर लोगे तो इसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका टाइम बचेगा, टाइम सेविंग होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कई बार बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं, तो ये चीज़ आपका टाइम बचाएगी। अगर ये 5% है तो रेट इज़ 5%, तो यहाँ पर ये हो गया 1 plus 5 upon 100, 520 raised to power 1 21 20 20 20 plus 1, तो ये हो गया 21 upon 20। तो यहाँ पर 21 upon 20, जब ये 2 बार हो गया 21 into 21 441, 21 441 upon 400, तो ये 3 बार हो गया 21 into 21 21, तो ये बन गया 441 9261 upon 2 2 4 2 8 8000। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई है। तो ऐसे ही जब 4% रहेगा रेट तो क्या बन जाएगा, 1 plus 4 upon 100 raised to power 1 25 या 25 plus 1 26 upon 25, तो ये रह गया 26 upon 25। तो 2 साल हो गया तो raised to power 2 हो जाएगा, 26 into 26 676 upon 25 into 25 625, राइट। इसको रट लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब 3 साल हो गया तो 26 into 26 17576, ये आपने रट लेना है। 25 25 625 into 25 15625। सो दिस इज मैजिक टेबल फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 10, 5 या 4% हो और टाइम 1 ईयर हो तो 10% का बन जाएगा ये ब्रैकेट वाला हिस्सा, रेट वाला जो आपने कैलकुलेट करना है वो 11 upon 10। 2 साल होगा तो 121/100, तो 3 साल होगा तो 1331 1331 1331/1000, ऐसे ही 5%
4%, ये आपको बार बार कैलकुलेट कर कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, इसको कर देता हूँ मैं रब फॉर मेकिंग स्पेस फॉर आवर क्वेश्चन नंबर टू। राइट, सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर टू सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 46875 एट 4% पर एनम, सो दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज आवर रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम नो प्रॉब्लम, ईयरली लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टाइम इज 3 ईयर्स, कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो उसके लिए तो पहले जो दिया है हम वो लिख लेंगे पी इक्वल टू रुपीज 46875 आर इज इक्वल टू 4% पर एनम एंड टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। राइट स्टूडेंट्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सो अगर हम इसको -1 वाला फार्मूला लगाते हैं तो आगे हमें अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, दिमाग में पिक्चर बना लेनी है, यू हैव टू ड्रा ए पिक्चर ऑफ द सम इन योर माइंड सो दैट स्टेप्स आर सेव्ड, राइट, टाइम इज सेव्ड। सो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए हमने क्या करना है, सो पहले हम वही चलेंगे अपना फार्मूला ए पी प्लस सॉरी ए प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर थ्री। सो पी इज 46875 1 + r इज 4% पर एनम। तो बच्चों अगर आपने इसको लिखने के बाद 4/100 ये हमने सॉल्व किया था, तो ये चलो मैं फिर आपको बता रहा हूँ टेबल के मुताबिक 25 + 25 = 26 46875 × 26/25 इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम सीधा टेबल को भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो 25 × 25 46 − 25 = 21 आर रिमेंड, 21 छोटा है 25 से नहीं जाएगा, तो 8 उतारेंगे ऊपर से, तो ये बन गया 218, तो 25 × 8 = 200, राइट, 18 इज सेव्ड। नाउ 25 × 218 सेव्ड, नाउ 187 बन गया है, 25 × 7 = 175 12 बच गया, 125 बन गया 25 दिस। सो आपको कैलकुलेशन में शार्प होना पड़ेगा, तो 1875 × 26 सो इसको हम यहाँ पे करेंगे 26 से, शॉर्टकट मेथड आप अपनाएं तो इसको इजीली कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई द शॉर्टकट मेथड, सो यहाँ पर 26 6 5 = 30 0 3 7 6 = 42 + 3 45 + 5 2 = 10 55 5 5 = the carry forward। तो इसको फिर करेंगे हम 8 6 = 48 + 5 = 63 5 + 0 63 + 7 = 14 63 + 14 7 63 + 14 = 77 and 7 is the carry forward। Now this 6 + 6 + 7 = 3 this 5 0 0 6 6 + 6 + 7 13 and
this 0, 18 to just 16, 18 to just 16 plus 16, so students ये देखिए पहले कैसे किया मैंने, 6 वन जा 6, 6 प्लस 7 13, 5 0 0, 18 टू जा 16, 16 प्लस 16, तो बच्चों यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 7 नहीं 6 आएगा, 67 बनेगा। तो यहाँ पर अब हम थर्ड स्टेप में करेंगे इसको, 2 वन जा 2 प्लस 6 8, 7 0 0 8 0 0 ये आ गया। उसके बाद ये जो लास्ट स्टेप है ये रह गया, वन जीरो जीरो एट जीरो जीरो प्लस 4 पीछे से जो कैरी आया 48750, राइट। तो ये मिल गया हमें अमाउंट रुपीस 48750। तो उसके बाद तो अब देखिए अमाउंट मिल गया हमें 48750, पी है हमारा इतना, तो हमें चाहिए इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी ए माइनस पी। 48750 माइनस 46875, सो व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, रुपीज 57 प्लस 8 15, सॉरी 7 7 यहाँ पे 1 कैरी था 7 आ गया 8 1, सो दिस इज द 1875 इज इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस बनाऊँगा ताकि इसमें आगे मूव कर सकें सेकंड पार्ट के लिए। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे आएंगे हम सेकंड। अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो इसमें भी सेम ही है, ए इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, सो वही है 46875 1 प्लस 4। तो बच्चों यहाँ पे टेबल काम आ रहा है आपका, तो सीधा कर सकते हैं आप इसको, 46875 मल्टीप्लाइड, अगर इसको और सिंपल वे में करें, अगर टेबल करना है तो सीधा 676/625 आ गया आपका, राइट। इसको और सिंपल करना है क्योंकि हमने किया था 26/25। अब हमने यहाँ तक तो कर चुके हैं तो हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका नतीजा जो रिजल्ट हमें मिल चुका है वो क्या है, ये, सो देयरफॉर इक्वल टू 48750 इंटू 26/25। तो इसको कर देंगे हम 25 वन जा 25, तो 23 बचे, 23 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 237, तो ये चला गया 9 पर, 25 9 जा 225 तो 15 बचा यहाँ पर, तो 9
12 बचा 25 5 या 125 इक्वल टू ये बन गया 1950। अब इस 1950 को आपने करना है किससे मल्टीप्लाई 26 से। सो इसको भी अगर हम 1950 को 26 से 00 यहाँ पर करेंगे तो हमें 0600 65 30 प्लस 0600 65 30 0200 65 30 0200 यहाँ पे आएगा 3 कैरी फॉरवर्ड 9654 प्लस 357 दिस 0 67 प्लस 10 9654 357 प्लस 10 67 सो 67 7 वुड बी हेयर 6 वुड गो कैरी 6 1 6 0 0 6 1 6 6 1 6 दिस 0 0 9 2 18 प्लस 6 24 5 0 0 एंड दिस वुड आल्सो बिकम 0 2 4 प्लस 5 तो ये आ गया बच्चों 50 इक्वल टू 50 रुपीज़ 50,700। ठीक है तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हमें चाहिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज़ द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो हमने सिर्फ थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा स्पेस बनाऊंगा यहाँ पे, इसको रख करूँगा फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट हमें चाहिए अभी। तो थर्ड पार्ट के लिए अब हमें चाहिए 3 इयर्स। तो देयरफॉर प्रिंसिपल इतना ही रहेगा हमारा, अगर आप चाहें तो इसको प्रिंसिपल ले सकते हैं चाहे इसको ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने इंटरेस्ट निकालना है। तो मान लो इसको ले लेते हैं हम, अगर आपने इसको लेना है तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, राइट। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वुड बी द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। अगर आपने ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना है तो इसको यूज़ कर लीजिए यहाँ पर। तो दैट इज़ इक्वल टू ₹50,700। अब थर्ड बचा तो टाइम 2 साल का ये आ गया हमारे पास, तो 1 साल ही बचा 1 ईयर। रेट तो वही आपका 4% पर एन। सो देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये वही आपका P1+R/100^T। पी कितना है यहाँ पे 5070। 1+R कितना है जी 4/100^1 वही आ गया 26/25 50,700 तो इसको करेंगे हम 25 2 50 ये पूरा चला गया तो 0 आ जाएगा 25 फिर 2 50 70 -50 20 0 25 8। सो 2 0 2 0 2 8 को हम करेंगे 26 से। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपको 2 0 2 8 को 26 से
जीरो जीरो, एट सिक्स जा 48, फोर बच गया, सिक्स टू जा 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 16, एट टू जा 16, 16 प्लस 16 32, 3। अब तीन पे चलेंगे, सिक्स जीरो जीरो प्लस 3, 3 आ गया, जीरो टू टू जा 4 प्लस 3 7, तो तीन का ख़त्म हो गया। अब चलेंगे हम चार पे, टू सिक्स जा 12, टू सिक्स जा 12 1, टू सिक्स जा 12 0, दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो, टू सिक्स जा 12 0, तो 12 प्लस 0 2 आ गया 1, टू टू जा 4 प्लस 1, सो दिस वुड कम आउट टू बी इक्वल टू रुपीज 5,2,7,2,8, देयर फोर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर वुड बी ए माइनस पी। तो अमाउंट कितना है थर्ड ईयर के लिए, रुपीज 5,2,7,2,8। प्रिंसिपल कितना है थर्ड ईयर के लिए, रुपीज 5, सो 2,8 ऊपर है तो 2,8 नीचे बच गया, 7 माइनस 7 0, 52 माइनस 52, सो दिस वुड बी आवर थर्ड पार्ट्स आंसर। तो बच्चों ये ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपने सीधा जाना है तीन के लिए करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 48, 46, 8, 7, 5 इंटू तीनों कर लेंगे 26, 26, 26, 26, जो मैंने आपको बताया था टेबल, तो उस टेबल में 175 अगर आपको वो करने के बाद फिर हमें वही ए माइनस पी करना पड़ता तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन रुपीज 8,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम, आल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर वी हैव टू कैलकुलेट ऑल 3 ईयर्स वन बाय वन, सो फॉर दैट आई विल सुजेस्ट, तो उसके लिए हमने ईयर बाय ईयर चलना है। तो सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वुड बी पी इक्वल टू रुपीज 8,000, आर इज 10% पर एनम एंड टी इज 3 ईयर्स, राइट स्टूडेंट्स। सो नाउ we will calculate the amount for the first year, so therefore formula wahi hai jo bataya hai maine aapko, amount equal to p 1 plus r upon 100 raised to power t, 8,000 1, ये फिर सॉरी t की जगह पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर वही आ गया आपका, टेबल पिक्चर में लेके आओगे तो वो बन गया 11/10, सो दिस वुड कम आउट टू बी रुपीज 8,800, राइट स्टूडेंट्स। सो अमाउंट दिस अमाउंट अमाउंट फॉर सॉरी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वुड बी
द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, तो ये कितना हो गया रुपीज 8800। देयर फोर अमाउंट कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, पी 1 + R/100 raised to power t। सो दिस वुड बी पी, कितना है यहाँ पर पी ए बन गया 8800 1 + R is 10/100 सेकेंड ईयर 1 0, तो ये भी उतना ही बन गया 8800 × 11/10। सो दिस वुड बी कम 0 × 11 = 88 + 8 = 96। सो सेकेंड पार्ट हमारा जो ये, देयरफॉर इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर वुड बी ए माइनस पी। सेकेंड ईयर के लिए ए कितना है 9680, प्रिंसिपल कितना है 8800, तो कितना बचा 0 80 96 - 88 8। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अभी हम इसका फाइंड करेंगे। देयरफॉर सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो इसमें कुछ नहीं करना अपने, पी हमारा 8000 है, टी 10, टाइम पूरा ले लेना है इसमें। सो इक्वल टू अमाउंट निकाल देना अपने, पी 1 + R/100 raised to power t। सो ये कितना बन गया 8000 1 + R कितना है 10 / 100 raised to power 3। तो टेबल को याद कीजिए, 10% रेट में 3 ईयर्स 1331 कर देंगे सीधा हम इसको, 8000 × 1331/1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, तो ये बन गया 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 + 2 = 26, 8 1 जा 8 + 2 = 10। सो दिस वुड बी आवर सेकेंड पार्ट आंसर, ₹10648। ठीक है, तो बच्चों अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्योंकि चैप्टर्स में क्वेश्चंस बहुत हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी लगाइए, इनको रिवाइज कीजिए बार बार, ध्यान रखिए। अब हम जो है गुड बाय कहेंगे, इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आया है वीडियो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड बाय, डू योर होमवर्क प्रॉपरली।